हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक ओवल शेप में बॉक्स लाई हूँ और ये डिमांड पर बनाया गया है। इसमें दो कंपार्टमेंट हैं, एक 3 इंच की हाइट पर है और एक 5 इंच की हाइट पर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए सामान चाहिए हमें। 11x11 3 पीस क्विल्टेड, 5x30 1 पीस क्विल्टेड, 3x30 1 पीस क्विल्टेड, 4x5 1 पीस क्विल्टेड, 3x4 1 पीस क्विल्टेड, सिर्फ 30 इंच 2 पीस, रनर 2 पीस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज का जो बैग हम बना रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, वो उसका जो बेस है वो राउंड शेप का है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो राउंड शेप को किस तरह से हम एक मेजरमेंट में निकालेंगे, हमने आपको पीस लिखवाया था 11x11 के 3 क्विल्टेड पीस, तो उसका जो राउंड है वो किस तरह से निकालना है इसको मैं आपको बताऊंगी। ये 11x11 का मेरे पास एक पूरा पीस है, इसको हमने इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में किया, फिर इसको दूसरा फोल्ड किया बराबर से, फिर एक बार और फोल्ड कर दिया। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये हमारा सेंटर मार्क था जहाँ से हम फोल्ड करते चले गए, ये ओपन मार्क था, ठीक है। अब 11 का हाफ 5 1/2, तो यहाँ पर ये हमारा आया 5 1/2। ये देखिए 5 1/2 है, तो यहाँ पर हमने ये तो निशान है ही। अब इसी कॉर्नर से फिर 5 1/2 इधर लेंगे, ये ले लिया, और फिर इसको बीच में लेंगे थोड़ा यहाँ पर इस तरह से, और ये जो हमने निशान लगाया था इसको यहाँ पर इस तरह से शेप दे दिया। अब शेप देने के बाद इसको हम कट कर देंगे, ये देखो। अब ये एक्यूरेट हमारा 11 इंच का पूरा सर्कल आ गया है, जिसको मैंने कुछ इस तरह से एक पीस काटा है, ये देखिए इस तरह से, है ना, सेम उसी नाप का। और इसी तरह से अभी मैं आपके सामने ये 2 पीस और काटूंगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये प्लेन पीस है, ये बॉटम के लिए है और ये मिडिल पार्ट के लिए है, ये अपर पार्ट के लिए। तो 2 प्रिंटेड मैंने अपर पार्ट के लिए ले लिए हैं, ये बॉटम के लिए है। और इसमें जो क्विल्ट किया है आज कोई लाइनिंग नहीं है, सेम कपड़ा हमने इधर पीछे लगाया है, और इस क्योंकि ये बॉटम में रहेगा और इसी का कपड़ा हमने इन दोनों के बैक साइड में दिया है, जैसे कि खुलने पर कई रंग का ना दिखाई दे, मिक्स मैच कलर होने चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी कटिंग। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमने अब इसका हमें सर्कल चाहिए जिसमें हम जिप लगाएंगे, तो उसका नाप कैसे लेना है, कोई भी एक जगह पर हम सेंटर मार्क कर देंगे। यहाँ पर हमने ये सेंटर मार्क किया हुआ है, सेंटर मार्क से 2 इंच इधर निशान लगाया है और 2 इंच इधर निशान लगाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये हमने यहाँ पर 4 इंच का हमने साइज़ दिया है, तो मैंने एक पीस लिखवाया है 4x5, वो 4 इधर आएगा, ये देखिए, और जो 5 इंच है इसकी वो लेंथ है, ये 4 हमारा यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ये 4x5 का पीस लिया गया है, और इसी तरह जो ऊपर का पार्ट है उसके लिए हमने 4x3 का, जो 3x4 लिखा है वो इसी को लिखा है, तो नंबर कम होने की वजह से 3x4 कर दिया है, जबकि हम इसको जब लगाएंगे तो ये 4x3 में लगेगा। तो अब इसका हम पहले ये 4 इंच तो हमने ले लिया, अब यहाँ से पूरा गोलाई लेते हुए यहाँ तक हमको मेजरमेंट करना है। इसके लिए हम स्टेप लेंगे और ये जो 4 इंच पे जो बाहर की तरफ निशान है यहाँ से मेजरमेंट शुरू करेंगे, इस तरह से गोलाई से पूरा नाप लेंगे। यहाँ पर आएंगे तो ये हमको 30 इंच का स्पेस मिलेगा। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 30 इंच की 2 ज़िप ली हैं और 30 इंच के 2 पीस ये लिए हैं, ये 3x30 है, ये 5x30 है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम ये पीस काट लेंगे, इन सब पीस में भी 4 इंच का एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हम लेंगे 30 इंच की ज़िप, उसमें मैंने ये रनर डाल दिया है, 30 इंच 3x30 इंच का ये
क्विल्टेड पीस है और 4x3 इंच का ये पीस है। तो अब सबसे पहले हम ये जो 30 इंच का पीस है इसमें हम इस जिप को लगा देंगे। इसको इस तरह से जोड़ने के बाद अब ये 3x4 इंच का पीस लेंगे और इस पर ये जो 4 इंच है इसको इस यहाँ पर रखेंगे और इसको जोड़ देंगे, और जो यहाँ पर पट्टी बढ़ेगी उसको हम बढ़ जाने देंगे क्योंकि हमने यहाँ जिप लगाई है, बाद में इसको हम कट करेंगे। अब ये जो पट्टी बढ़ी है इसको हम मेजरमेंट करते हुए ये सिलाई के बाद 2.5 आ गई, तो इसको अब हम 2.5 पर निशान लगाएंगे चारों तरफ। और जो लाइन खींची है उसको अब हम कट कर देंगे। इसको इस तरह से ही हमने जोड़ दिया। इसी तरह से हमने 5x30 वाला इंच भी कंप्लीट किया है सेम प्रोसीजर में। अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉटम वाला पीस लेंगे, ये हमारे पास बॉटम का पीस है, और इसको लेंगे जो 5x30 इंच का पीस था उसको इस तरह से रखते हुए, ये जो 4 इंच पे हमने निशान लगाया था इसको हम यहाँ पे रखते हुए पहले इसको चारों तरफ से जोड़ देंगे। इसको सिलने के बाद इसको सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा कर लिया। अब ये जो 4 इंच की पट्टी है हमारी, ये जहाँ से जिप जुड़ी है यहाँ पर ये पीस दूसरा राउंड पीस लेंगे और इस 4 को, ये जो हमने निशान लगाया था इस 4 को यहाँ पर इस तरह रखेंगे सीधे पर। ये देखिए ये सीधा पीस है, इस 4 को इस 4 के साथ हमने मिला दिया। अब ये जो दूसरा जिप वाला पीस है 3x30 इंच वाला उसको लेंगे और इसका उल्टा हिस्सा, ये इसका उल्टा हिस्सा जिप हमारी ऊपर रहेगी, नीचे जो ये पट्टी गई है कपड़े की उस 4 को 4 के साथ रखेंगे और इन तीनों पीस को हम एक साथ जोड़ेंगे। और जोड़ते समय ध्यान रखना है कि नीचे वाली जिप में हमारा रनर पड़ा हुआ है। अब तीनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। हमने इस तरह से जोड़ दिया और ये बॉर्डर हमारा ऊपर आ गया, नीचे वाला नीचे चला गया। अब यहाँ पर ये जो जोड़ दिखाई दे रहा है आप चाहें तो इस पर पाइपिंग चढ़ा सकते हैं और नहीं तो इस पर इसको इसी तरह से रखते हुए और इसके किनारे पर मशीन चला सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसका जो बॉर्डर है वो बंद जाएगा। इसको हम खोलेंगे, ये खोल दिया हमने, और इसके किनारे किनारे अब फिनिशिंग दे देंगे। और अब इसको हम सीधा करेंगे और ये डबल डेकर हमारा
राउंड शेप में तैयार हो गया। इसको तैयार करने के बाद ये जो बॉटम में गोलाई में मशीन चली है इस पर हम फिनिशिंग की मशीन चला देंगे जिससे कि पूरा शेप आ जाएगा। और ये बॉक्स हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया, पूरा शेप में आ गया है। और ये हमारी महिला मित्र हैं गोपी जी, उनके आग्रह पर बनाया है, उनको ठाकुर जी के कपड़े रखने हैं इसमें। और इसमें हमें एक कंपार्टमेंट यहाँ मिल गया है, देख सकते हैं काफ़ी स्पेशल है। और दूसरा हमें नीचे मिल गया है, उनको इसमें काफ़ी स्पेस मिल जाएगी, उनको ठाकुर जी के कपड़े रखने होंगे, गहने रखने होंगे। इस तरह से बॉक्स बनाया जा सकता है। और ये बॉक्स मल्टीपर्पज़ यूज़ में लाया जा सकता है, आप टिफ़िन रख सकते हैं इसमें, मेकअप का सामान रख सकते हैं, इसमें फर्स्ट एड रख सकते हैं, इसमें प्लेट्स रख के ले जा सकते हैं, किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।